हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ, बलरामपुर चीनी शेयर लेटेस्ट न्यूज स्टॉक टू बाय नाउ। शुगर सेक्टर में एक फंडामेंटली अगर कोई स्टॉक आपको चाहिए तो बलरामपुर चीनी। इस समय काफी करेक्शन में आ चुका है ये स्टॉक। करीबन 425 के लेवल से 330 के लेवल तक इसने बॉटम किया था, वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला है। आज के दिन पे अगर देखे इसका 365 का हाई था। तो क्योंकि शुगर इंडस्ट्रीज में काफी सारी हलचल हो रही है, हर 2 दिन में कोई ना कोई न्यूज आ रहा है शुगर इंडस्ट्रीज के रिलेटेड, इथेनॉल के रिलेटेड, जिस वजह से यहाँ पे शुगर स्टॉक्स मोमेंटम है। और क्योंकि Q1 के नंबर के रिजल्ट्स की शुरुआत हो चुकी है, तो बलरामपुर चीनी के Q1 के नंबर्स भी काफी बढ़िया आने वाले हैं। उस बेसिस पे मैं कहूंगा अगर शुगर सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना है तो बलरामपुर चीनी एक बेहतरीन पिक है, और Q1 के बेसिस पे भी बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि Q1 के जो एस्टिमेट्स है वो भी काफी अच्छे है इस समय। इस वीडियो में सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज के बारे में बात करेंगे शुगर सेक्टर या इथेनॉल सेक्टर की, और साथ ही में फंडामेंटल टेक्निकल पार्ट भी देखेंगे बलरामपुर चीनी का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ अच्छी लर्निंग्स मिले जिससे आपका पोर्टफोलियो और भी बेहतर हो सके। साथ ही में मार्केट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं वीडियो की शुरुआत में। आज हमने देखा काफी दिनों बाद निफ्टी ने 16,100 के लेवल्स को तोड़ा और 16,050 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग किया है मार्केट ने। अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली यहाँ पे, क्योंकि इस समय ऊपर का ट्रेंड जो था वो काफी अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट है, क्योंकि Q1 के रिजल्ट्स का ट्रेंड हो चुका है चालू, जिस वजह से मैं कहूंगा अब निफ्टी 16,300 और 16,500 के लेवल तक आराम से जाते हुए दिखेगी। इस समय जिन्होंने फ्रेश बाइंग करना है इस लेवल पे कीजिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए 16,300 पे, उसके बाद 16,500 पे। मार्केट को एनालाइज कीजिए, ग्लोबल मार्केट को एनालाइज कीजिए, और उस हिसाब से फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। शॉर्ट टर्म व्यू ये होना चाहिए आपका, मीडियम टू लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट रहिए, 16,500 16,817 के लेवल्स आराम से आपको दिख जाएंगे, लेकिन उतना ही अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस समय स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, Q1 के रिजल्ट जिनके आ रहे हैं वैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को ढूंढिए, जिनके रिजल्ट अच्छे ही आते हैं हर बार वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और ऐसे 2 स्टॉक्स मैंने आज आज के दिन पे आपको बताए, पहला HAL और साथ ही में इस समय मैं बलरामपुर चीनी आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत में 2 सर्विसेज का ओवरव्यू देना चाहूंगा। सबसे पहले एवरी सैटरडे यूट्यूब लाइव में जुड़ जाइए, स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको 3 से 4:45 के बीच में ये लाइव सेशन होता है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर लीजिए। दूसरा तरीका जाए, स्पेसिफिकली एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए। 30 डेज 90 डेज 2 तरीके के पैकेजेस है, एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट किया जाएगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन निफ्टी ऑप्शंस के और साथ ही में स्टॉक ऑप्शंस के आपको कॉल दिए जाएंगे, डिलीवरी बेस इंट्राडे बेस एफएनओ बेस आपको कॉल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्केट के आवाज में आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं फोन के थ्रू। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी स्कीम में अलॉटमेंट लीजिए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतरीन बनाइए। एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में और भी कुछ जानना है तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कीजिए या फिर कॉल कीजिए, मैं पर्सनली आपको पूरा डिटेल बता दूंगा एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में। वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलिए सबसे पहले बलरामपुर चीनी के लेटेस्ट न्यूज के बारे में जानते हैं, और साथ ही में समझेंगे कि बलरामपुर चीनी में इस समय आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, लेटेस्ट न्यूज क्या है, शॉर्ट टर्म टारगेट क्या होना चाहिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होना चाहिए, और स्पेसिफिकली शुगर सेक्टर इस समय क्यों मोमेंटम में है काफी दिनों के बाद, तो उसका भी मेजर एक रीजन देखेंगे। और आने वाले जिनका व्यू प्योरली लॉन्ग टर्म है तो शुगर सेक्टर एक बढ़िया ऑप्शन है आपके पास लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, उस लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का क्या कारण है वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट आया था ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से कि इथेनॉल को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, और अगर स्पेसिफिकली पेट्रोल की बात करें तो 115 रुपीज के आसपास है यहाँ पे पर लीटर, जबकि इथेनॉल आपको करीबन 64 रुपया पर लीटर के हिसाब से मिलेगा, तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और आने वाले 3 से 5 सालों में एज कम्पेयर टू पेट्रोल इथेनॉल का काफी सारा यहाँ पे कह सकते यूज होगा इंडिया में, जिस वजह से जो शुगर कंपनीज है बलरामपुर चीनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एंड धामपुर शुगर, जो स्पेसिफिकली इथेनॉल बनाती है या फिर शुगर इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है, ये सब स्टॉक्स को काफी अच्छा फायदा होगा। तो जिनका व्यू स्पेसिफिकली 3 से 5 साल का है बलरामपुर चीनी में इन्वेस्ट करके रख दीजिए, बेस्ड ऑन इथेनॉल कह सकते प्रोस्पेक्टिव काफी अच्छा रिटर्न आपको ये आने वाले 3 से 5 साल मिलेगा। रिसेंटली और एक पिछले हफ्ते न्यूज आया था कि इथेनॉल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और साथ ही में जो डीजल पेट्रोल और ग्रीन कह सकते इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एंड डीजल, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है
उनको कभी कह सकते हैं यहाँ पे एक्साइज में 12% से 20% की छूट मिल सकती है। यानी जो कंपनीज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल बनाती है उनको करीबन 12 से 20% के बीच में गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में छूट मिल सकती है। तो इस न्यूज के चलते काफी अच्छा मोमेंटम पिछले हफ्ते ही देखा था यहाँ पे। और स्पेसिफिक कारण क्या है यहाँ पे आपको बलरामपुर चीनी में इस समय इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि पहली बात तो करेक्शन काफी हो चुका है, दूसरा अच्छे मोमेंटम में ये स्टॉक करेक्शन के बाद आया है, और तीसरा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बनाती है ये कंपनी, और आने वाला समय इस पर्टिकुलर कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज काफी होगा, काफी डिमांड होगी, जिसके चलते यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको देखने मिलेगा आने वाले 3 से 5 सालों में। तो जिनका एटलीस्ट 2025-2027 का व्यू है, यहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज काफी होने वाला है, जिसके चलते बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, धामपुर शुगर्स, ये सब स्टॉक्स अच्छे खासे मोमेंटम में रहेंगे। पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखिए तो बॉटम था 332 के आसपास का, हाईएस्ट आज के दिन पे 365, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए तो हाईएस्ट पॉइंट था 407, लोएस्ट पॉइंट था 330, यानी 407 से स्टॉक करेक्ट होकर 330 तक आया था, और अगर 3 महीने का हाईएस्ट पॉइंट देखिए तो 511 रुपए का ये स्टॉक, तो 511 का स्टॉक आपको 360 में मिल रहा है, तो अच्छे खासे लेवल्स पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखिए, 8 लाख का वॉल्यूम है ओवरऑल आज के दिन पे, स्पेसिफिकली पूरे महीने का देखें तो 37 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, जिसमें से 7 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। पिछले 5 क्वार्टर के रिजल्ट को कंपेयर करें, हाईएस्ट रेवेन्यू इस क्वार्टर में हुआ था, मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 1019 करोड़, इस बार था 1280 करोड़, मार्च 2021 में प्रॉफिट था 232 करोड़, इस बार है 240 करोड़ के आसपास, मार्च 2021 में ईपीएस था 11.21, इस बार ईपीएस था 11.79, प्रमोटर होल्डिंग 42% इंटैक्ट है, एफआईएस का होल्डिंग अगर हम देखें तो 17%, डीआईएस का 19.25%, पब्लिक होल्डिंग से 31.33%। म्यूचुअल फंड डेटा, 12 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 10 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है, डिफरेंस बाइंग साइड में आया है, क्वांटिटी है 3,275 शेयर्स के आसपास, तो 3,275 शेयर्स यहाँ पे बाय हुए हैं इन द मंथ ऑफ जून फॉर बलरामपुर चीनी। आरएसआई इस समय 39 है, एमएफआई 52 है, यानी टेक्निकली भी अच्छे लेवल्स पे आपको ये स्टॉक मिल रहा है, ओवरऑल स्टॉक बढ़िया है। शॉर्ट टर्म टारगेट आपको इस समय आपको इन्वेस्ट करना है तो आपका अर्न होना चाहिए 425, मीडियम टू लॉन्ग टर्म एटलीस्ट मैं कहूंगा 475 to 500 का टारगेट लेके आराम से चल सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉगिन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।